1,01,000 रुपए उन्होंने दिए। 3 जुलाई 2023 दोपहर के 12:09 सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो बड़े हैं उनको सत श्री अकाल नमस्ते, और जो छोटे हैं उनको कैसे हो छोटो। तो आज भी करते कुछ इंटरेस्टिंग सी बात, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, आज की हमारी पहली अपडेट आ रही है, बहुत इमोशनल अपडेट है, जो कि हमारे बियर बाइकर सैमी है, कोलकाता के राइडर है। उन्होंने आज के ब्लॉग में ये बताया कि उनका एक फ्रेंड था फिरोज, उनकी बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, जो कि हिट एंड रन का केस है। वो बाइक चला रहे थे और ट्रक ने उनको हिट कर दिया और वो ट्रक के टायर के नीचे आ गए। लगभग ये 2023 में, मैं तो लगभग ये 6 या 7वां केस है जो मैं सुन रहा हूँ बाइक एक्सीडेंट का, जो राइडर्स का एक्सीडेंट हो रहा है, डेथ हो जा रही है। तो कुछ कह नहीं सकते, आइए दिखाता हूँ उन्होंने क्या कहा। कुछ दोस्तों वैक्सीन के वजह से डेट हो गया एंड ना मैं मेंटल स्टेट में नहीं था कि भाई ब्लॉग बनाऊँ, अपलोड करूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करूँ। तो मैं इंस्टाग्राम में भी इनएक्टिव था, यूट्यूब में भी इनएक्टिव था, खुद को टाइम दे रहा था कि ताकि मतलब इन सब चीज़ों से ना मैं बाहर निकल सकूँ। तो क्या ही बताऊँ भाई, आप लोग ही समझ सकते हो कि अगर आपका कोई दोस्त, खास दोस्त का एक्सीडेंट में डेट हो जाए तो कैसे रहेगा। मतलब कल उसको देखो एंड आज सुनो कि भाई वो बंदा नहीं रहा इस दुनिया में, आप उसको देख ही नहीं पाओगे कभी, आप उससे कभी मिल नहीं पाओगे, आप उससे कभी बात नहीं कर पाओगे। तो वो ना गाइस एक बहुत ज्यादा शॉकिंग वाला न्यूज होता है एंड दिस इज द रीजन ना मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर रहा था। इस बाइक को हम लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इस बाइक के वजह से डेथ हो रहा है सबका, तो बाइक नहीं चलाते हैं एंड थोड़ा सा भाई खुद को टाइम दिया, ठीक है, आज थोड़ा सा हिम्मत हुआ कि नहीं आज ब्लॉग बनाना है, तो इसलिए आज ब्लॉग बना रहा हूँ भाई। मेरा एक दोस्त फिरोज भाई था, उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गया, बहुत ही ट्रेजिक एक्सीडेंट में डेथ हो गया भाई। ये देख सकते हो फिरोज भाई आ रहा है। ओ भाई ओ हो, हाय भाई, कैसे हो भाई साहब? जस्ट लुक एट दिस मशीन, यामाहा R6 YZF R6 भाई, क्या कलर किया है यार। कांग्रेट्स भाई का, मतलब ड्रीम बाइक कह सकते हो, ठीक सर पहना था, अभी ये खतरनाक इसमें लगा हुआ है रेस फिट का एग्जॉस्ट। ओह क्या कलर कॉम्बिनेशन किया है भाई। मैं बता देना चाहता हूँ फिरोज भाई मेरा बहुत ही अच्छा एक दोस्त था एंड जो बहुत ही कम उम्र में चला गया है, उसका शादी हुआ था रिसेंटली 1 साल पहले एंड इसी नहीं भाई मुझे जेएक्स भाई ढूंढ के दिया था एंड इसको कलकत्ता लाने में मुझे हेल्प किया था। वो भाई सर घर जा रहा था एंड ट्रक ने उसको धक्का मारा एंड उसके वजह से भाई उसका डेथ हो गया, उसका मतलब बॉडी ट्रक के नीचे आ गया था एंड ट्रक रन ओवर करके चला गया था। एंड वो जो सीन था ना भाई, वो देखने के बाद भाई क्या ही बोलो, मेरा रोंगटे खड़ा हो जा रहा है, ठीक है। आप लोग नहीं देख सकोगे वो जो चीज़ मैंने देखा था, दिमाग के अंदर ना गाइस यार बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें घुस जाता है इसके बाद, ये सब चीज़ों देखने के बाद, ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद मन के अंदर में इतना डर पैदा हो गया था ना, क्या ही बताऊं, बाइक चलाने में डर लग रहा था। तो दोस्तों, आज की हमारी दूसरी और आखिरी अपडेट आ रही है लेजेंड जट प्रज्योत पाजी की तरफ से, जो कि लास्ट ब्लॉग में मैंने भी आपको बताया था और उनका भी ब्लॉग आया था कि वो आसाम के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। और कल के ब्लॉग में उन्होंने ये बताया कि उनको रास्ते में कुछ सब्सक्राइबर मिले और वो उनको ऑन द स्पॉट 10,000 ट्रांसफर कर रहे थे QR कोड को स्कैन करके, लेकिन वो फेल बता रहा था। तो उन्होंने ये बताया कि आपको अकाउंट नंबर भी दिया गया है, तो आपको यहाँ पर फेल हो रहा है तो आप अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। और उनको किसी ने 1,01,000 रुपये भी भेजे हैं, जो सबसे बड़ी डोनेशन है, उन्होंने अपने वीडियो में नाम भी लिया। तो आइए बताते हैं कि इन्होंने उनको भेजा है, उन्होंने नाम बताया, तो आइए देखते हैं वो क्लिप। तो ये देखो, ये पाजी अभी हमें मिले और पहले भी मिलते रहते हैं, तो इन्होंने बोला जो आसाम के लिए आप कर रहे हो उसके लिए पे करना है, तो ये यहीं पे खड़े होकर 10,000 रुपीज पे कर रहे थे। और एक बार नहीं, कितनी बार ट्राई करा? चार बारी पेमेंट सेल आया, फिर उन्होंने अपने फोन से भी ट्राई करा, उनके फोन से भी पेमेंट सेल आ रहा है। तो अगर आप भी ट्राई कर रहे हो, बहुत सारे मेरे को मेल भी आ रहे हैं, अगर आप भी ट्राई कर रहे हो ऐसा पेमेंट सेल आ रहा है स्कैन कोड पे, तो अकाउंट नंबर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पे भी मैं दिखा दूंगा, आप उस पर आराम से कर सकते हो। क्योंकि होता क्या ना, बहुत सारे बंदे एक बार भी ट्राई कर रहे होते हैं, जैसे आप ट्राई कर कोई ना कोई ट्राई कर रहा होगा तो वो फेल हो जाता है, सर्वर इशू भी हो सकता है। 5 मिनट बाद भी दोबारा ट्राई कर लूंगा मैं भी, सर्वर इशू, ठीक है, नहीं तो अकाउंट नंबर दे दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक्स अ लॉट थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। आप इस पे भी ट्राई कर सकते हो, मतलब आप ये मत सोचो कि अगर इस स्कैन कोड पे नहीं हो रहा तो फिर आप छोड़ दो, क्योंकि अकाउंट नंबर पे ट्रांसफर करने में ना 2-5 मिनट लगते हैं, अकाउंट नंबर डालो, IFSC कोड डालो, तो बंदा थोड़ा आलस कर जाता है, स्कैन कोड में स्कैन करा फटाफट कर दिया। तो अगर बाय चांस आप कर रहे हो इस पे नहीं हो पा रहा, 2 मिनट लेंगे अकाउंट नंबर डाल के कर दो, ये 2 मिनट के चक्कर में ना किसी की हेल्प हो जाएगी, किसी का भला हो जाएगा। फिर रहा था, और एक बंदे ने 1,00,000 रुपये भेजे हैं, उनका नाम मैं अपनी वीडियो में बताना चाहूंगा, उनका नाम है जोगेश शर्मा, जो कि मेरे मैसेजेज में लिखा है 1,01,000 रुपये उन्होंने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया जोगेश जी, अच्छा लगता है आप जैसे लोग साथ देते हैं ना, आज आप लोग साथ दे रहे हैं, कल को आपको जरूरत होगी तो भगवान ऊपर से देख रहा है, वो अपने बंदे भेजेगा आपके लिए भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जोगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन फिर से एक बात कहूंगा, बाइक राइड करें, हेलमेट पहने, हेलमेट का स्ट्रैप लगाएं, खुद का भी ध्यान रखें, रास्ते पे चलने वालों का भी ध्यान रखें और अपने फैमिली का भी ध्यान रखें। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन ओके बाय बाय, थैंक यू।